देखिए जनसलाब तो ये प्यार मोहब्बत है, क्योंकि हमने तो किसी को दावत तक नहीं कर पाए थे हम। आज हमारा से क्योंकि आखिरी दिन था, तो मैं अपनी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, कोई एजेंटों के फॉर्म भरने, उसी चीज के लिए हमने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी। लेकिन जैसे ही इनको खबर लगी कि आज जो है मैं यहाँ दफ्तर में मौजूद हूँ, तो ये तमाम जो है इलाकों से, चाहे मेरा वो ब्राडगढ़ी है, पोगल परिस्तान है, गांधरी ब्लॉक है, रायगढ़ है, सिराज है, बटोत है, और हर एक पंचायत से मैं उतर रामन की तमाम पंचायतों से, ये कहाँ से लोग इतने उमड़ पाए हैं इसका हमें भी अभी तो कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन सब लोगों का, जिन्होंने जिस तरीके से प्यार मोहम्मद पिछले पूरे मेरी इस कैंपेन में दिखाया है, उनका मैं भारी अपने दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से ये प्यार मोहम्मद उमड़ा है, और ये दर्शाता है कि रामबन को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, और ये जम्मू कश्मीर को किस चीज की जरूरत है। एक बदलाव की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, जिस बदलाव के लिए जो है 10 साल तक लोगों ने जो नाइंसाफी झेली है, अब ये जो है युवा यहाँ का जाग चुका है, हमारा बुजुर्ग जो है उनका आशीर्वाद है। और यही हम आपसे अपील करेंगे कि आप, परसों का दिन है, लोग भारी बढ़ चढ़ कर जो है अपने घरों से निकल के जो है इस जमहूरियत के जो फेस्टिवल में जो है पार्टिसिपेट करें, और अपना जो है जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, और इस तरीके की उस उन ताकतों को जवाब दें जिन्होंने यहाँ 10 साल तक जो है मेरे नौजवान भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का जो शोषण किया है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए युवाओं से मैं प्रॉमिस तो क्या बात करें, ये युवाओं की उम्मीदें अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके की इनकी जो इन्होंने अपना प्यार और जिस तरीके की इनका वो उम्मीद हमारे पर जताई है, और हम मिल के ऊपर वाले की कृपा से, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इन सब से मुलाकात करके, इन सब से बैठ के इनके जो हक की पॉलिसी होगी, जो इनकी रोजगार की बात करेंगे, जो इन्होंने 10 साल तक जो मुश्किलें झेली हैं, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो आशा वर्कर्स है, चाहे वो NHM के लोग हैं, चाहे वो RATA के लोग हैं, हर एक शोबे का, मैं किसी का नाम अब शायद भूल भी जाऊंगा, क्योंकि इतना हर एक सेक्टर में जो नाइंसाफी है, इन तमाम सेक्टर पे जो है हमने सुधार करना है, एजुकेशन पे सुधार करना है, हेल्थ सेक्टर को सुधारना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इस चैलेंज को, क्योंकि युवा शक्ति जब हमारे साथ है, तो इस चैलेंज को भी जो हम आज बखूबी निभाएंगे और स्वीकार करेंगे, और एक बेहतरीन जो है सरकार जो है जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है 8 अक्टूबर।